हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहां से आप जी राजस्थान का एक ट्वीट देख सकते हो। रेट को लेकर इन्होंने ट्वीट करा है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि जो एक दो नंबरों से छूट रहा है, जिनका रेट पात्रता परीक्षा राजस्थान पात्रता परीक्षा में जो एक दो नंबर से छूट रहे हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ से आप सबसे पहले मैं न्यूज़ आपको पढ़कर बता देता हूँ, और इसके बाद अगर आपका एक दो नंबर से छूट रहा है तो क्या होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, रीट पात्रता परीक्षा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, परीक्षार्थियों ने अब नॉर्मलाइजेशन की मांग की है। रीट लेवल दो में नॉर्मलाइजेशन की मांग की और कहा कि 23 और 24 जुलाई की तीन पारियों में हुई थी परीक्षा। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि 23 जुलाई को जो दूसरी पारी में पहली परीक्षा हुई थी, वो जो पेपर का लेवल था वो बहुत टफ था। ऐसे में अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे छूट जाएंगे। तो देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि राजस्थान सरकार जो चाहेगी, शिक्षा मंत्री जो चाहेंगे, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर जिनका 90 से कम आ रहा हो, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अगर किन्हीं का 88 आ रहा है या 87 आ रहा है, तो देखिए क्या किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप किस दिन बैठे हो पेपर देने के लिए। सपोज़ कर लो कि 23 तारीख का पेपर डिफ़िकल्ट आया था सेकेंड पारी में, तो अगर आप 24 को बैठे हो और आपका अगर 88 में छूट रहा है, तो हो सकता है कि आपका 85 ही नंबर हो जाए घटकर। क्यों? नॉर्मलाइजेशन का यही तो रूल है कि पेपर इजी आएगा तो आपके नंबर को कम किया जाएगा। अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट आया है, अगर आप लाते हो 85-83, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका नंबर बढ़कर 90 तक पहुंच जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती है नॉर्मलाइजेशन में। आई होप कि, मुझे भी लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन ही होना चाहिए, ताकि सारे कैंडिडेट के साथ न्याय हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो। तो देखिए, अब ट्वीट वगैरह भी आ रही है, तो इस पर सरकार का क्या रुख रहता है, इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। आपने वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।